जेडी टॉक्स के एक और जबरदस्त एपिसोड में आप सभी का भरपूर स्वागत है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट कोटक महिंद्रा बैंक वैकेंसी एज ए फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस, दोनों लोगों के लिए ये वैकेंसी है। अगर आपका जरा सा भी मन है कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब लेने का तो आज का वीडियो डेफिनेटली आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के दौरान मैं आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, कितनी सैलरी रहेगी वो भी समझाने वाला हूँ, और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है डिटेल में बताने वाला हूं। मेरा नाम जुनैद है। पहली बार अगर आप यहां पर आए हो और इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। पहली और इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास है एजुकेशन। एजुकेशन में बेसिकली यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर आपने कोई भी बेसिक सा ग्रेजुएशन किया है जैसे बीए या फिर बीएससी, एमए या फिर एमएससी, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर दो हमारे पास है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एज की, तो वो 18 साल होना जरूरी है। आई मीन टू से आपकी उम्र 18 साल होना जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर आप मेल कैंडिडेट हैं, दोनों लोग इन सभी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों लोग यहां पर एलिजिबल हैं। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर आपने अपनी उम्र के 30 साल कंप्लीट कर लिए हैं, आप 30 साल के व्यक्ति हैं या फिर आप महिला हैं 30 साल की, तो आप एज ए फ्रेशर इन वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब तक हमने 2 से 3 चीजों के बारे में बात की है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4th, एंड ये है लोकेशन। देखिए दोस्तों वैसे तो ये वैकेंसी पैन इंडिया के लिए है, आप भारत के किसी भी स्टेट एंड राज्य से आते हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप ये वीडियो दिल्ली से देख रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी हेल्प मैं भी करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को दिल्ली के अंदर से जॉब चाहिए तो एक बार इस वाले कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, जिसको सीरियसली ध्यान से सुनना जरूरी है। दोस्तों अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आपको चाहिए एक ब्रांड न्यू प्रोफेशनल रेज्यूमे। अगर आपको रेज्यूमे के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पर आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर आपको एक प्रोफेशनल जबरदस्त अपडेटेड रेज्यूमे बनवाना है तो इस वाले कॉन्टेक्ट नंबर पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एज ए फ्रेशर रेज्यूमे की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो है 299 रुपीज। और अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है, बहुत तरीके की कंपनी में आपने काम किया हुआ है, तो आपसे चार्ज किया जाएगा 499 रुपीज। 2024 के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है, एक बार जरूर से कॉन्टेक्ट करना। दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4th की, और ये है आपकी स्किल्स। यार किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंक में, किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स का होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहली स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर मैं बात करूं बैंकिंग फील्ड की, तो सारा का सारा काम जो है वो कस्टमर से रिलेटेड ही है, तो आपको एज ए बैंकर कम्युनिकेशन स्किल्स में महारत हासिल होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि कम्युनिकेशन स्किल्स में सी का क्या मतलब है, तो हमने इसके ऊपर एक बुक बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उस ईबुक को परचेज कर सकते हो। ईबुक की कीमत बहुत कम है, 49 रुपीज। दूसरी एंड इंपॉर्टेंट स्किल हमारे पास है सेल्स एंड मार्केटिंग नॉलेज। नॉलेज बोल रहा हूँ, नॉट एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि एज ए फ्रेशर्स हमें सेल्स एंड मार्केटिंग की नॉलेज कैसे मिलेगी, इसके ऊपर भी हमारे एक जबरदस्त एपिसोड है, उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर के देख करके वहां से बहुत सारी नॉलेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। तीसरी एंड इंपॉर्टेंट स्किल्स हमारे पास है ड्रेसिंग सेंस। यार जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो अपने कपड़ों के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, हमेशा फॉर्मल कपड़े पहनने की जरूरत है। अगर आप कोई भी जींस टॉप पहन के जा रहे हो ना, गलती कर रहे हो। मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि आप अपने कपड़ों पर खास ध्यान दीजिए, कोट पैंट टाई ये सब आप पहन के जाइए, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स। इसके अलावा अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी नॉलेजेस आपके पास हैं, तो वेल एंड गुड, बढ़िया बात है। जितने भी लोग इंतजार देख रहे थे उनका इंतजार ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, हम बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में। एज ए फ्रेशर यहाँ पर जो सैलरी है वो 20,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है, साथ ही साथ 60,000 रुपए तक का इंसेंटिव भी देखने के लिए मिलेगा अगर आप अपने टारगेट को अच्छे से अचीव करते हो।
अच्छे से पूरा करते हो तो आपको इंसेंटिव के साथ साथ बोनसेस भी देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट बता दी हैं, लेकिन आप कहोगे भैया अप्लाई प्रोसेस आपने नहीं बताया, ठीक है वो भी बता देते हैं। देखिए एक छोटी सी बात ये समझिए, अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अगर आप ये सारी एप्लीकेशन चलाते हैं सुबह से शाम तक इन पर बैठ के मजे मस्ती करते हैं, तो आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ इन जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बेसिकली मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एकदम लास्ट में, आप एक बार लिंक पे क्लिक करेंगे आपको सारी डिटेल आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपने एक अच्छे रेज्यूमे के साथ इन वैकेंसी में अप्लाई कर लिया तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट इतनी है, 299 ही स्पेंड करना है, फटाफट से इस वाले नंबर पर कॉल करो, व्हाट्सएप पे बात करो, कैसे भी करके अपना एक रेज्यूमे को ऑर्डर जरूर दो। अच्छा वैकेंसी की जो डिटेल्स हैं ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चेक करना मत भूलना। साथ ही साथ इस तरह के और भी वीडियोज आने वाले हैं जिसमें मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगा, तो आपको ये वाला चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और हाँ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, उससे आपको पता लग जाएगा कौन सा वीडियो कब आ रहा है। इंस्टाग्राम पर मैं आपको आपके पर्सनल क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूं, तो ये रहा मेरा आईडी, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो या फिर कुछ हमें सजेशन देना चाहते हो, प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखना। मेरा नाम जुनैद है, इस वाले वीडियो में इतना ही।